CEN News, देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN News को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर। भिंड में पुरानी रंजिश को लेकर गोलीबारी की घटनाएं नहीं थम रही हैं। ताजा मामला बरोही थाना क्षेत्र के ग्राम गोपालपुरा में देखने को मिला, जहां पुरानी रंजिश को लेकर दो गुटों में गोलीबारी हो गई। इस गोलीबारी में एक युवक की घटना स्थल पर ही मौत हो गई, जबकि एक घायल हो गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया। गांव में गोलीबारी की घटना से दोनों पार्टियों के बीच तनाव को देखते हुए पुलिस बल तैनात कर दिया है। दरअसल बरोही थाना क्षेत्र के गोपालपुरा गांव में रहने वाले बल्लू परिहार और गोविंद भदौरिया के बीच पुरानी रंजिश चल रही थी। दोनों के बीच काफी देर रात तक वाद विवाद हुआ। विवाद इतना बड़ा कि दोनों गुट आमने सामने आ गए। देखते ही देखते गोलीबारी शुरू हो गई। दोनों के बीच जमकर गोली चली। इस गोलीबारी में गोली लगने से गोविंद भदौरिया की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि रवि परिहार घायल हो गया। हालांकि पुलिस ने हमलावरों के खिलाफ हत्या व हत्या के प्रयास का मामला दर्ज कर लिया है, साथ ही आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। पलपुरा गांव में गोली चली है, उसमें व्यक्ति की मृत्यु हो गई है, उस पर से हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया है। दूसरे पक्ष से भी उसके घर में गोली लगने की सबसे रिपोर्ट लिखी है। ये प्रयास कर रहे हैं और ये यहाँ कार्रवाई जोर लग करके उनकी धरपकड़ में लगते हैं और जल्दी उनको गिरफ्तार कर लिया जाए। पिताजी की तबीयत खराब थी, पहले से डरे थे वहाँ पे। जैसे मैं उनको देखने गया तो वहाँ और बिल्कुल लोग खड़े थे, उनसे मेरी चल भी चल आई। उन लोगों ने बोला कि इसको पकड़ो वहाँ से उगा लेंगे। जैसे मैं उधर से भागा था बिल्कुल ने फायर किया बिल्कुल ने। गोली का कट्टे से थे ये? हाँ कट्टे कट्टे गोली। क्या बजे बात होगी? बात 9:30 बजे करीब। काय के ऊपर लड़ाई, पुरानी रंजिश थी या आपकी कोई? हाँ पुरानी भी थी, पुरानी लड़ाई थी मेरी। तो फिर गोली दोनों पक्षों से चली है या एक ही पक्ष से? पहले वो उनने ही चलाई है, पहले एक गोली चलाई उन्हें, मैं भागा यही प्यार में लगी मेरी। उसके बाद उन्हें दो गोली खत्म हो गए, उनके चाचा लगते हुए परिवार में दो गोली उन्होंने उनकी नाल में दी है। अटैक कर लिया, अटैक की शिकायत दी मैंने।